यार मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। ये मैंने ना भाई का एक मैसेज देखा और मैंने ना बोला कि ये ना मैं कुछ एक बात आपके साथ वीडियो के स्टार्टिंग में रखता हूँ, वीडियो के शुरू में रखता हूँ। बोलता क्या यार, हम जो पाकिस्तानी हैं, जो सऊदी में बैठे हुए, सऊदी की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इसी बात में, इसी जुमरे में आते हैं। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे ना, तो अपने किसी भी भाई के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हम जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर कमाते हैं, और सऊदी अरेबिया वाले भाई बखूबी जानते हैं हम कैसे कमाते हैं पैसा, ठीक है। वो अगर एक मिसाल के तौर पर बात कर लेना, हम ये दीवार के ऊपर सनफरा लगाने की, रंग के काम की, पता है कितनी मशक्कत है, मैंने खुद किया हुआ, इतने दिन बीमार रहा आपको बता नहीं सकता। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई काम के, तब जाकर वो दिहाड़ी मिलती है और कुछ रियाल हाथ के। हाँ, दिहाड़ी अच्छी लग जाती है, ये कन्फर्म बात है। कोई मोहल्ले में 150 ले लेता है, कोई लेबर है तो 110-120-130 रियाल ले लेता है, और माशाल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन 9-10 हज़ार बन ही जाता है। तो वहाँ पर आपको पता है किसी बंदे की 1000-1200 ही रियाल, 1000 सॉरी 1200 रुपया ही दिहाड़ी है। तो बात आपके साथ सिर्फ ये करने लगा था स्टार्टिंग में कि यार जो हम पाकिस्तानी हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, रियाल कमाते हैं, या हम दरहम कमाते हैं, या हम डॉलर कमाते हैं। तो भाई अगर कोई परदेसी भाई पाकिस्तान 6 महीने पैसा ना भेजे तो उसका क्या वो जुर्मदार है? नहीं, क्यों भाई? उसने अपने हक हलाल के कमाए हुए, चाहे वो सऊदीया में अपने पास रख ले, चाहे वो पाकिस्तान भेज दे, वो यार उसकी मर्जी है। इसमें कोई किसी किस्म की सॉरी नाराजगी वाली या उसके ऊपर एक्शन लेने वाली बात ही नहीं है भाई। हाँ, जब 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, उसने किधर जाना है? आना तो किधर, पाकिस्तान ही है ना। तो जब पाकिस्तान आएगा उस टाइम साथ लेकर आ जाएगा सारे माशाल्लाह इकट्ठे, तो वो किधर लगाएगा जब पाकिस्तान लेकर आएगा? तो सारा पैसा पाकिस्तान में ही बखेरेगा ना, तो पाकिस्तानी अवाम को ही, पाकिस्तान को ही फायदा होगा। तो यार ऐसा मत करें हमारे साथ कि भाई आप रियाल भेजते नहीं, आप बंदों को बोलते हैं रियाल मत भेजें। यार मैं ये नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ घर की ज़रूरत के ज़रूर भेजें, बाकी इजाफी अगर यहाँ पर सेफ होते हैं तो कर लें, बेस्ट है। आने वाले वक्त में यार हमें अगर 20-30-50-1 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, तो इससे फ़ायदा हमारा ही है यार, हमारा भी तो कुछ। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर जुमेरात को हमारी ये वीडियो आती है जी, इसमें हम थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं, भाइयों को कमेंट आपको सुना देते हैं, जो भाई मुझसे रब्ता करती है उनके मुतल आपको बता देता हूँ मैं। बेसिकली ये वीडियो हमारी होती है रियाल रेट के मुतलक, भाई अभी हमें रियाल पाकिस्तान भेज देने चाहिए, वेट कर लेना चाहिए या कब तक वेट करना चाहिए। मैं इस चीज़ का वीडियो के स्टार्टिंग में इकरार करता हूँ कि मैं बहुत, यानी कि कम से कम 1-1.5 मंथ से आप भाइयों को बोल रहा था कि रेट अप होगा, वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रेट बढ़ेगा, हमें फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने किसी एक वीडियो में ऐसे नहीं बोला है कि रियाल मत भेजिएगा, ये बिल्कुल ना भेजिएगा, ठीक है। मैंने ये बोला है हमेशा कि आपकी फैमिली को अगर ज़रूरत है तो भाई उनकी ज़रूरत ज़रूर पूरी कीजिएगा, उतनी रकम सेंड कीजिएगा, फिर तो रेट नहीं देखना चाहिए अगर घर में ज़रूरत हो तो। अच्छा, बहरहाल आप उतने भेजिए उनको, उसके अलावा अगर आपके पास जायद हैं, यकीन माने मेरे साथ एक भाई ने रब्ता किया और मुझे पता क्या बता रहे थे, 2 गड्डी आए मेरे पास। मैंने बोला भाई वो क्या होता है? बोलता 2 लाख रियाल। मैंने बोला माशा अल्लाह ताला की ज़ात तुमको और दे यार। तो मुझे बोल रहा था भाई अभी सेंड कर दूं या रुक जाऊं। मैंने बोला भाई आपको ज़रूरत है तो भेज सकते हैं, वरना वेट करने, बोलता ज़रूरत तो नहीं है। तो मैंने बोला फिर अब पड़े हुए सऊदी में अपने पास रख ले, जब छुट्टी जाने लगे साथ ले जाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा खासा बिजनेस का वीज़ा होगा, जाहिर सी बात है उनका अच्छा खासा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, बाद में आप रब्ता ना कीजिएगा हमसे, वो अलग बात है। अच्छा, बहरहाल जी रेट के मुतल आ जाते हैं। मैं एक ये बात बोलूं जी कि रेट ना बढ़ा है ना डाउन हुआ है, आज का रेट भी तकरीबन 73 रुपये 40-50 पैसे से लेकर 73 रुपये 60-70-80 पैसे तक है। तो भाई 5-10 पैसे का आगा पीछा इसको मैं रेट नहीं बोलता, ना कम हुआ ना बढ़ा। हाँ, 1 रुपया 1.5 रुपया जब रियाल गिरता है या बढ़ता है तो उस टाइम हम बोलते हैं जी वाकया ही रियाल में इजाफा हुआ है या रियाल भाई डाउन हुआ है। और जो भाई मुझे ट्वीट करके ये बोलते हैं ना कि भाई रियाल 65 या 63 के ऊपर आ जाएगा, आप ऐसे बोल रहे हैं और देख लीजिएगा आने वाले वक्त में रियाल 65 के ऊपर आएगा, तो आप लोगों को ऐसे बोले जा रहे हैं। तो भाई आपसे मेरी एक ही दरख्वास्त है, जब वो टाइम आए ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी मैं इस बात के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और सारे परदेसी भाइयों से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगूंगा कि भाई मुझसे गलती होगी, आपका जो नुकसान हुआ है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होगा,
ये उस भाई के क्विंट है कि रियाल रेट 65 के ऊपर 63 के ऊपर आएगा, इंशाल्लाह ताला ऐसे नहीं होगा, रियाल बेहतर ही रहेगा और इसमें आने वाले वक्त में मजीद बेहतरी होगी, मेरा ये मानना है। हाँ ये क्लियर बात है जी, कल IMF से कुछ मुआहिदा हुआ है 1.1 अरब डॉलर का, तकरीबन तकरीबन इसमें कमी बेशी के लिए मुआहिदा दिखाऊँ तो भाई ये IMF से मुआहिदा हुआ है तकरीबन, और अगर IMF से पता, आपको पता है मुआहिदा होता है उस टाइम कुछ दिनों के लिए डॉलर रियाल में एक आध रुपए गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद से फिर भाई काम स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। तो मैं परदेसी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, रेट मैंने आपको इससे पहले मेरी वीडियो में बता दिया है कि भाई देखें, अगर आपने मिसाल के तौर पर अभी आपने सऊदी अरेबिया से रियाल भेजने हैं घर की जरूरत के लिए भेज सकते हैं, अगर नहीं तो अपने पास सेफ करके रखें, आने वाले वक्त में आपको फायदा होगा, कन्फर्म बात है। जो मेरा परदेसी भाई आने वाले 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद छुट्टी जाने वाला है, तो उस टाइम भाई अपने साथ ले जाइए जो इजाफी बचे, ठीक है, उस टाइम अपने साथ ले जाइएगा, पाकिस्तान में जाकर एक्सचेंज करवाइएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास भाई 20-25 हज़ार रियाल है, तो उसको अगर 2 रुपए का भी डिफरेंट मिल गया तो भाई उसका उसकी तो लॉटरी लगी ना 50-60 हज़ार रुपया की, सॉरी मैं रियाल की बात करने लगा था, तो उसकी तो लॉटरी लगी ना। तो ये चीज है, तो मैं मेरा आपको वीडियो को लास्ट में यही है जी, तमाम परदेसियों के लिए जरूरत के तहत पाकिस्तान में रियाल भेजे, मैं ये नहीं बोलता मत भेजे, लेकिन अगर आपके पास इजाफी है तो भाई यहाँ पर सेफ कर लें, जब आप छुट्टी जा रहे हैं उस टाइम साथ लेकर जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमने कौन सा भाई एजेंट के जरिए, यानी कि किसी एजेंट वगैरह के थ्रू हमने रियाल मार्केट से उठाए हुए अपने पास रखे हुए, जब महंगा होंगे उस टाइम निकालेंगे, नहीं, ये तो भाई हमारी खून पसीने की कमाई है, सीधी बात है परदेसियों की, भाई अभी पाकिस्तान भेज दें, इनको 2-4 मंथ के बाद साथ लेकर आ जाए पाकिस्तान में, उसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। बाकी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज किस्सा आपको सुनाई चुका।